द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स में सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी, यूपी का जनपद रायबरेली। शहर में लग रहे जाम की समस्या को लेकर जिला प्रशासन हलकान है। वहीं पर रायबरेली जिला महिला अस्पताल के बाहर सड़कों पर वाहन स्टैंड बना हुआ दिखाई देता है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहनों को खड़ा करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आने को मात्र बिना वर्दी के एक व्यक्ति को बैठा दिया जाता है, जो यह बताता रहता है कि अपने वाहन को अस्पताल गेट से दूर ले जाकर खड़ा करें। लेकिन मरीज को लेकर आ रहे वाहन कहां खड़ा हो, इस पर जब परिजन सवाल करते हैं तो उपस्थित गार्ड का बेतुका जवाब ही होता है। एक कंपनी का निजी गार्ड जब मरीजों के परिजनों से इस तरह का व्यवहार करता हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पताल के सरकारी कर्मचारी किस तरह का व्यवहार करते होंगे। कहा जा सकता है कि अस्पताल के कर्मचारियों की व्यवहार कुशलता का परिचय गेट पर तैनात गार्ड अपने शब्द बाणों से दे देता है। इसके बाद भी सोने पर सुहागा तब हो जाता है जब गार्ड यह भी धमकी देता है कि ज़्यादा होने पर वह सीधे अस्पताल चौकी की पुलिस को बुलाकर सब कुछ निपट लेगा। अब सोचने की बात यह है कि गार्ड की मनमानी का समर्थन देने के लिए अस्पताल चौकी की तैयार बैठी रहती है। कहा जाता है कि वाहनों को खड़ा कराने के नाम पर गार्ड अपना ही कुछ नियम कायदा कानून है, जिसका बकायदा शुल्क गार्ड की जेब में जाता है, क्योंकि अस्पताल में अपने परिजन लेकर जाकर भर्ती कराने और वहां से सकुशल मरीज घर लाने वाले लोग जानते हैं कि सरकार ने भले ही महिलाओं को समुचित इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल को सभी सुविधाओं से युक्त किया हो, परंतु यहां पर सुविधाओं का अपना अलग ही सुविधा शुल्क है। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।